मेरी सिंगापुर वाले डॉक्टर से बात हो गई है, वो सर्जरी के लिए यहाँ आने को तैयार है। तो अखिलेश तुम एक काम करो, फिर वो नैतिक जी से डिटेल्स लेके डॉक्टर के आने और रहने का इंतजाम कर दो, और अकॉर्डिंगली ऑफिस में इंस्ट्रक्ट कर दो कि मैं आज ऑफिस नहीं आऊंगा, तो जो काम करना है तुम ही करोगे, और अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन पे कंसल्ट कर लेना। जी भाई साहब। नैतिक जी फिर एक काम कीजिए, वो ये दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन मुझे दे दीजिए, दवाइयां मैं ले आता हूँ जाके। तब तक मैं टेस्ट का पूछ कर आता हूँ कि कब है वो। ओके मनीष जी, आप यहाँ हैं तो हिम्मत दुगनी हो गई है। कैसी बातें कर रहे हैं आप, नायरा मेरी बेटी नहीं है क्या? इनफैक्ट थैंक्स तो मुझे आपको कहना चाहिए। अच्छा हुआ आपने रोक लिया, आकर कहीं स्वर्णा के सामने मुंह से यह निकल जाता कि डॉक्टर ने नायरा के क्लॉट की वजह उसका 2 साल का स्ट्रेस बताया है तो पता नहीं वो क्या सोचती, हो सकता है खुद को इस चीज का जिम्मेदार मान के अंदर ही अंदर गिल्टी फील करने लगती वो। दुख रहा है। अरे बस देखना चाहता हूँ कि 2 चोटी में तुम कैसी लगोगी। झूठ मत बोल, सच तो यह है कि तुम मुझे चढ़ाना चाहते हो 2 चोटी वाली बंदर की साली बोल के। अरे ना उस जीजू को बंदर कहा तुमने, कितने घंटे हो ना तुम। बिल्कुल नहीं, ना क्या रहा हूँ, डीओ भी लगा है। डीओ बदला है तुमने? जो चीज मेरी नायरा को पसंद नहीं उसकी मेरी लाइफ में कोई जगह नहीं। अच्छा बस बस, अब ये बताओ कि कौन से टेस्ट होंगे। नायरा थोड़ी देर पहले तुमने खुद कहा था ना, जो जब होगा तब देखा जाएगा, तो अब क्यों बात कर रही हो उसके बारे में, वैसे भी मुझे नहीं पता कौन से टेस्ट होंगे। अरे बोलो ना प्लीज, कुछ तो आइडिया होगा ही ना। अच्छा मुझे लगता है कि ब्लड टेस्ट होगा और एक्सरे वगैरह कुछ होगा, और क्या? तुमने पूछा डॉक्टर से? हमें नायरा का MRI करवाना पड़ेगा। सर आपको बाहर जाना होगा, मैम को टेस्ट के लिए रेडी करना है। स्वर्णा, स्वर्णा बेटा संभालो खुद को, मत रो ऐसे। ये मुश्किल घड़ी लिखी थी हम सबके भाग्य में, बहाने इसलिए बने सारे। किसी की कोई गलती नहीं है स्वर्णा, तुम संभालो खुद को, बस ये प्रार्थना करो कि नायरा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। थोड़ी देर पहले तुम खुद समझा रही थी ना कार्तिक को कि रोना कमजोरी की निशानी है, इस बात की निशानी है कि हमने लड़े बिना ही हार मान ली, तो अब हम सब क्या समझे कि तुमने भी? नहीं, मैंने हार नहीं मानी है, नहीं मानी है मैंने हार। नायरा को ठीक होना होगा और आप उसे ठीक करेंगे। आज तक आपने जो कुछ भी किया मैंने सब मंजूर किया। कार्तिकी नफरत शुभम से दूरी, उसका हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर चले जाना सबके ताने, लेकिन अब नहीं। अगर मेरी नायरा को कुछ भी हुआ तो आप पर से विश्वास हट जाएगा मेरा। अगर आपने इस बार मेरी बात नहीं सुनी
तो आपका और मेरा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म। ना मैं आपकी भक्त, ना आप मेरे भगवान। अब आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। एक भक्त की आस्था का मान रखना है, उसका प्राश्चित पूरा करवाना है, तो आपको मेरी विनती सुननी होगी। आपको मेरा साथ देना होगा। हरे रामा, हरे रामा, रामा रामा, हरे हरे। व्हीलचेयर पे जाऊं मैम? वो आप नहीं, मैंने कहा ना आपसे मैं व्हीलचेयर पे नहीं जाऊंगी। मैं चल के जा सकती हूं। मैं दिखाऊं आपको। मैम आप, अरे मैंने कहा ना आपसे मैं नहीं जाऊंगी कार्तिक, मैं व्हीलचेयर पे नहीं जाऊंगी। तू डांट रही हो मेरी शेर में। किसने कहा कि तुम नहीं चल सकती? तुम चल फिर सकती हो, भाग सकती हो, जो करना है कर सकती हो, लेकिन ये हॉस्पिटल है ना, यहाँ के कुछ रूल्स होते हैं फॉलो करने पड़ते। नहीं, मैं व्हीलचेयर पे नहीं जाऊंगी कार्तिक। ये इसमें तो अच्छा खासा इंसान बैठ के और बीमार हो जाए कार्तिक। ये मैं इस पे नहीं जाऊंगी। मैं चल के जा सकती हूँ। मैं खाना मैं चल के जा सकती हूँ। मैं इस पे नहीं जाऊंगी बस। पापा, आई होप आपने नायरा को मेंटली प्रिपेयर किया होगा इस टेस्ट के लिए। मैं नहीं, मेरी तो हिम्मत नहीं हुई। I'm sure कार्तिक ने किया होगा। I hope so। और अगर नहीं तो नायरा बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर देगी। बचपन में तो इंजेक्शन भी नहीं लगवाती थी और अब न जाने क्या क्या टेस्ट होंगे उसके। वो डॉक्टर्स ने टेस्ट की लिस्ट तो दी है, पता नहीं बड़े टेक्निकल से नाम है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या है। हम लोग टेस्ट के नाम पे इतना घबरा रहे हैं तो पता नहीं सर्जरी में क्या करेंगे। कुछ नहीं होगा, बाल गोपाल पे भरोसा रखिए सब लोग बस। ताऊ जी, जीजू, वो भाभी है ना, वो तो व्हीलचेयर पे नहीं बैठना है। शी से वो खुद चल के आएंगी और नर्स बोल रही है वो उनको व्हीलचेयर पे लेके जाएंगी। आप देखो ना प्लीज। अगर व्हीलचेयर ना चला तो तब भी नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी चाहे कोई भी चलाएगा। तो व्हीलचेयर ही रहेगी ना, इसमें बैठ के तो अच्छा खासा इंसान बीमार हो जाएगा। ठीक है, ये कैसा रूल है? ये उसके पास ले जाए ना जो सच में जिन्हें इनकी जरूरत है। प्लीज कार्तिक, मैं इसमें नहीं जाऊंगी। तुम समझ रहे हो ना कार्तिक, मैं इसमें नहीं जाऊंगी। प्लीज कार्तिक, मैं नहीं जाऊंगी इसमें। पर अगर वो खुद चल के जाना चाहती है तो उसे क्यों नहीं जाने देते? हो सकता है कि चलने से एग्जर्शन हो जाए, हार्ट बीट चेंज हो जाए, हो सकता है टेस्ट की रीडिंग्स गलत आए, टेस्ट ही गलत हो जाए। हाँ मनीष जी ठीक कह रहे हैं, हर बात के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, सोच होती है। प्रॉब्लम भी क्या है, व्हीलचेयर है ना, तो बैठ कर आ जाए। कहने के लिए बहुत छोटी बात है नक्श, लेकिन जो बीमार है अगर उसे ये बोल दिया जाए कि आपको व्हीलचेयर में बैठना है तो ये तो उसकी हिम्मत को चुनौती देने वाली बात हुई। हाँ मतलब आप जिस थॉट से लड़ रहे हैं कोई उसी थॉट को और स्ट्रॉन्ग बना दे स्टैंप लगा के कि आप बीमार हैं। हटाओ इसे यहाँ से, मैंने कहा ना आपसे इसको ले जाइए यहाँ से प्लीज। मैं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी। मैं जाके बात करता हूँ उससे या नर्स से, जिस बात की जरूरत नहीं है तो क्यों जबरदस्ती। यादें तेरी
बंद आंखों में है, तुझसे जुड़ा मन तेरी यादों की धड़कन जगाए मुझे, ऐसी खामोशियों में छुपे दिल के नगमे सुनाऊं किसे, ओ मोरे सैया के मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।